गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों सर। को? और पीपीटी इज विजिबल? प्रेजेंटेशन इज विजिबल टू यू और नॉट? ओके, तो आज हम है ना डिस्कस करेंगे प्रीफर्ड सीरीज नंबर्स और प्रीफर्ड नंबर सीरीज क्या होती है। मतलब जिसके प्रीफर्ड सीरीज नंबर्स और प्रीफर्ड नंबर सीरीज का है, दैट इज द सेम नेम। सो इन सम बुक्स इट इज रिटन एज प्रीफर्ड सीरीज नंबर्स, इन सम बुक इट इज रिटन एज प्रीफर्ड नंबर सीरीज। सो इट इज द सेम थिंग। सो व्हाट इज दिस, व्हाट दिस प्रीफर्ड नंबर्स आर, और व्हाट द सीरीज ऑफ द प्रीफर्ड नंबर्स। उस प्रीफर्ड नंबर में जो प्रीफर्ड नंबर की सीरीज क्या है, या वो जो सीरीज है जिसमें प्रीफर्ड नंबर्स हैं और प्रीफर्ड वैल्यूज वो क्या है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे यदि हम बात करें, सो वी हैव वेरियस टेबल्स फॉर द स्टैंडर्ड डायमेंशंस है, जैसे स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं। सो स्टैंडर्ड, इन स्टैंडर्ड साइजेस वी हैव डिफरेंट टेबल्स। सो फॉर नट थ्रेड वी हैव अ टेबल, फॉर द शाफ्ट डायामीटर वी आर हैविंग अ टेबल। ऐसा स्टैंडर्ड साइज की वन डायामीटर ऑफ द शाफ्ट इज लेट 80 mm, 8 mm, सो नेक्स्ट डायामीटर विल बी 10 mm और द 12 mm और द 14 mm। सो दिस बिलोंग्स टू अ सीरीज, अ पर्टिकुलर सीरीज विच आर द नंबर्स आर इन अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट मे बी इन मीन्स एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और इन द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे हमको एक्सपेरिमेंट करते हैं, इफ यू आर परफॉर्मिंग इन एक्सपेरिमेंट्स वी डू इटीरेशन। सो इटीरेशन में भी क्या कि इफ वी आर अप्लाइंग अ लोड, से 10 kN लोड इज टू बी अप्लाइड। सो वट वी विल डू कि विल अप्लाई द लोड, फर्स्ट 1 kN लोड इज अप्लाइड, देन 2 kN, देन 3 kN, देन 4 kN। सो इफ वी आर फॉलोइंग दिस ऑर्डर, सो दिस इज वॉट 1 + 1 = 2, दैट इज 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4। सो मीन्स द ऑर्डर, जो स्टेप का ऑर्डर है, दैट फॉलोज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एंड इफ वी आर फॉलोइंग सम अदर ऑर्डर दैट इज बेस्ड ऑन द सम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो वो सीरीज अलग हो जाएगी उस तरह से। सो क्यों यूज करते हैं, व्हाई दिस सीरीज इज यूज्ड? सो दैट इज की जो दैट इज कि जो मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर किसी पार्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, सो ही कैन नॉट मैन्युफैक्चर द पार्ट इन इट्स ऑन डायमेंशंस। उसकी मर्जी से वो डायमेंशन लेके नहीं कर सकता, नहीं मैं तो 100 mm है, आई विल एक एक जो मेरा पार्ट है वो मतलब बोल्ट है, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग अ बोल्ट, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि नो नो नो, माय साइज ऑफ द बोल्ट विल बी विल स्टार्ट फ्रॉम 10 mm, देन नेक्स्ट विल बी 11 mm, देन नेक्स्ट विल बी 12 mm, एंड देन आई विल फॉलो कि 20 mm, एंड देन 25, देन 30 और 45। नहीं, वो इस तरह से नहीं कर सकता। ठीक है, ही हैज टू फॉलो दिस सीरीज, सो दैट इज नोन एज द प्रीफर्ड नंबर सीरीज, एंड दैट इज ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन के कारण उसको वो नंबर फॉलो करना ही होगा, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज द पार्ट्स आर यूज इंटरचेंजेबली। ऐसा नहीं है कि वो जो बोल्ट बना रहा हो एक पर्टिकुलर, एक ही वेंडर उसको यूज करेगा। देर आर नंबर ऑफ वेंडर और द प्रोडक्ट्स जिसमें वो बोल्ट यूज होगा, सो इंटरचेंजेबिलिटी होना चाहिए। सो अ डिजाइंड प्रोडक्ट नीड्स स्टैंडर्डाइजेशन, सो इट मीन्स दैट सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट स्पेसिफाइड पैरामीटर शुड बी कॉमन इन नेचर। सो उसके पैरामीटर्स जो है, साइज ऑफ द बोल्ट, सो दैट इज द डायामीटर, बोल्ट का डायामीटर जो, सो दैट कॉमन नेचर होना चाहिए उसमें। फॉर एग्जाम्पल, द साइजेस ऑफ द इनगोट्स अवेलेबल इन द मार्केट हैव स्टैंडर्ड साइजेस। हमने भी देखा कि डिजाइनर ने चूज किया, हम बोलते ना
what we say when we design a shaft. So we have a diameter. What we say कि this is our calculated diameter. ठीक है ना, ये हमारा calculated diameter है design से. लेकिन जो series जो table है जिसमें से हम बोलते हैं standard diameter sizes क्या हैं diameter के, तो बोले जो standard size है हमारा, जो standard size है वो हमें किस तरह से choose करना है कि जो हमारा calculated उससे ज्यादा हो. तो वो जो स्टैंडर्ड डायामीटर की जो सीरीज है वो सीरीज क्या है, कैसे बनी है वो सीरीज, ठीक है, तो उसको फॉलो करना होता है. सो अ मैन्युफैक्चरर डज नॉट प्रोड्यूस इनगोट्स ऑफ साइजेस ऑफ हिज विश, ही फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न. सो ही हैज टू फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न. सो फॉर दैट मैटर डिजाइनर कैन चूज द डायमेंशंस फ्रॉम दोज स्टैंडर्ड अवेलेबल साइजेस. तो जो पैटर्न से वो साइज देता है, तो डिजाइनर रिकमेंड करेगा कि ओके दिस साइज ऑफ बोल्ट विल बी यूज, वी हैव टू यूज दिस, मतलब ही रिकमेंड यू हैव टू यूज दिस साइज ऑफ बोल्ट फॉर दिस एप्लीकेशन. जैसे मोटर स्पीड इज देयर, इंजन पावर ऑफ अ ट्रैक्टर और मशीन टूल स्पीड एंड फीड ऑल फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न और अ सीरीज. कि मार्केट में सर्च करने गए तो जो मोटर की स्पीड है, दैट मोटर आरपीएम, दैट आरपीएम ऐसा नहीं कि एक दस आरपीएम, बीस आरपीएम, पंद्रह आरपीएम, सोलह आरपीएम, अट्ठारह आरपीएम, 101 आरपीएम ऐसे आती है. सो दैट फॉलोज अ पैटर्न कि मोटर की जो स्पीड है दैट इज 1500 आरपीएम, द नेक्स्ट विल बी 3500 आरपीएम एंड द नेक्स्ट विल बी द 5000 आरपीएम और द नेक्स्ट विल बी द 6000 आरपीएम. सो देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर जो नंबर्स रहेंगे उस नंबर्स में मिलेंगे. एंड सच सेम इज विद द इंजन पावर ऑफ अ ट्रैक्टर. ट्रैक्टर के जो पावर है उसमें देखा आपने कि से फॉर एग्जांपल इन ऑटोमोबाइल्स देयर इज 800 सीसी ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, 1000 सीसी इज देयर, देन 1200 इज देयर, देन 1400 इज देयर और 2100 इज देयर, ठीक है, और 800 सीसी इज देयर. नेक्स्ट जो गैप आता है कि 800 सीसी के बाद में 1000 सीसी, सो व्हाई नॉट 8050 सीसी, व्हाई नॉट व्हाई नॉट इट इज 881 सीसी या 850 सीसी या 825 सीसी, ठीक है, या 925 सीसी, 950 सीसी, ऐसे क्यों नहीं है सीरीज में. सो दीज आर इन अ पर्टिकुलर सीरीज. सो the manufacturer has to follow this definite pattern or series. So this also helps in interchangeability of the products. And it has been observed that if the sizes are put in the form of a geometric progression, then wide ranges are covered with a definite sequence. So means the pattern jo hai, in mathematics we have the geometric pattern, we have the arithmetic pattern. So her series, jaise Fibonacci series hai, to Fibonacci series mein number ek start hota hai 1 se, then next number start with 0, the next is 1, uske baad jo next number aata hai wo previous two numbers ka sum hota hai. So Fibonacci series jo hai wo 0 1 and 1, then it is 2, then it is 3, then it is 4, is tarah se wo series banti hai. सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करना है, या कोई अदर प्रोग्रेशन फॉलो करना है व्हिच डज नॉट हैव अ रेगुलर पैटर्न. सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देयर द एडवांटेज इज देयर वाइड रेंजेस व्हिच आर कवर्ड इन विद अ डेफिनेट सीक्वेंस. मतलब आपके पास में सीरीज जो बनेगी जो नंबर्स की होगी कि पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, तो वो वाइड रेंज ऐसे बन जाती है आपके पास. सो दैट विल बी इजियर फॉर अ मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस द पार्ट्स इन दैट रेंज, उस रेंज में उस पार्ट्स मिल जाएगा. सो दैट इज अवेलेबल. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसमें वाइड रेंज हमारे पास में बनती है. So these numbers are called preferred numbers having common ratios as 5 जो 10 का जो है वो हम 1/5 रूट ले, है ना, फिफ्थ रूट ले तो ये नंबर बनेगा ऐसे, जैसे 10 स्क्वायर रूट 10 और 20 स्क्वायर रूट 10, 40 स्क्वायर रूट 10, इस तरह से
ये रेशोज हैं, ये रेशोज, तो 1:5.8, अदर रेशो इज 1.26, अदर रेशो इज 1.12, अदर रेशो इज 1.06. तो ये जो सीरीज है ये प्रीफर्ड सीरीज कहलाती है. एक सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, एक सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, एक सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, एक सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है. तो इनको बता फेज कॉमन रेशोज जिनके ये सीरीज है. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉमन रेशो फोर बेसिक सीरीज आर फॉर्मड. सो वी हैव फोर बेसिक सीरीज R5, R10, R20 एंड R40. सो दीज आर नेम्ड एज रेनॉल्ड. इनको R जो है यहाँ पर लगा हुआ है न्यूमेरिक के प्रीफिक्स में, R इज लेटर इज देयर. सो व्हाई R इज गिवन? सो R इसलिए दिया, द रीजन इज दैट कि द सीरीज वॉज गिवन बाय दिस साइंटिस्ट रेनॉल्ड. सो he Renard is a French balloonist and engineer, Charles Renard. So Charles Renard जो है उनने ये सीरीज जनरेट की, इसलिए उनके नाम के आगे यहाँ पे R लगाया गया सीरीज में. So R5 is R10, R20 and R40. Many other derived series are formed. So these are the basic series. बाकी और सीरीज भी हम derive कर सकते हैं on the basis of this series. Many other derived series are formed by multiplying or dividing the basic series by 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, इस तरह से इन सीरीजेस को मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे. तो वी हैव अ डिराइव्ड सीरीज. सो टिपिकल वैल्यूज ऑफ द कॉमन रेशियो फॉर फोर बेसिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज आर गिवन बिलो. दीज आर R5 की सीरीज हमने बोली. So that is the 1.58. So it start with the starting number is 1. The next number is 1.6. The next number will be 2.5. And the next number will be 4.0 and so on. The ratio common factor here is the common ratio is 1.58. Here this series starts with the 1. The first number is 1. The next one is 1.25. The next one is 1.6. And the next one is 2.0 and so on. और R20 सीरीज जो है इसमें फर्स्ट नंबर 1 है, नेक्स्ट नंबर 1.12, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 1.25, उसके बाद 1.4 एंड सो ऑन. और जो R40 की सीरीज है इसमें जो कॉमन रेशियो जो है उसका है 1.06. सो इसका स्टार्टिंग नंबर 1 है और 1 से ले तो नेक्स्ट नंबर 1.06 आएगा और उसके बाद नेक्स्ट नंबर 1.12, नेक्स्ट नंबर फिर 1.18 एंड सो ऑन. इस तरह से सीरीज बन जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सीरीज का यूज कहाँ हो रहा है. सो दिस R10, R20 एंड R40 सीरीज, दिस आर यूज फॉर स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ शीट मेटल. जो शीट मेटल की जो थिकनेस होती है, तो थिकनेस जो थिकनेस आएगी वो फॉलो करेगी इन सीरीज को. और वायर का डायामीटर, कोई वायर हम बना रहे हैं तो वायर का जो डायामीटर है, जैसे वायर का डायामीटर हमने R10 सीरीज को लेके फॉलो किया, ठीक है ना. अब R10 की सीरीज को लेके फॉलो किया तो मिनिमम साइज ऑफ द डायामीटर क्या है और फिर मैक्सिमम कहां तक लेके जाना है. सो अ मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड कि आई विल यूज दिस सीरीज R10. तो उस केस में वो स्टार्ट करेगा, ही विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 1. सो 1 mm विल बी द डायामीटर. द नेक्स्ट डायामीटर ऑफ वायर डायामीटर विल बी 1.25. उसके बाद में नेक्स्ट डायामीटर होगा उसका 1.6 का, नेक्स्ट डायामीटर होगा 2.0 और इस सीरीज में वो वायर्स अलग अलग डायामीटर के प्रोड्यूस करेगा. R5, R10 एंड R20 स्पीड के लिए भी हम यूज करते हैं. जैसे स्पीड ऑफ अ मोटर, मोटर की स्पीड बोलेंगे तो R5 सीरीज भी यूज करते हैं R10 और R20 में. Say one of the manufacturer uses R5 series or he has to start ki R5 series usko use karna hai aur speed ke liye use karna hai, to the speed of the shaft jo bhi hai motor hai to uski start ho rahi hai 10 rpm hai na, 10 rpm jo hai, let us suppose ki 10 rpm uski starting rpm motor bana raha hai, wo jiski speed range kar rahi hai starting from the 10 rpm. So 10 RPM के बाद में नेक्स्ट मोटर वो जो बनाएगा कितने RPM की बनाएगा उसके,
वो जो बनाएगा इफ यदि इफ ही इज फॉलोइंग आर फाइव सीरीज, तो ये हो गया 10 mm, तुमने सॉरी 10 हो गया ये 10 rpm, तो नेक्स्ट वाली उसकी जो मोटर होगी अगला मॉडल जो उसका होगा वो होगा 16 rpm का मोटर, देन उसके बाद में नेक्स्ट एक और मोटर जो होगी उसके बाद में 25 rpm, देन उसके बाद में 40 rpm, और इस तरह से सीरीज कंटिन्यू चलेगी। सो वो क्या बोलेगा, ही विल से कि आई एम हैविंग 10 rpm मोटर, 16 rpm मोटर, 25 rpm मोटर, 40 rpm मोटर, इस तरह से सीरीज। लेआउट इन अ मशीन टूल, मशीन टूल का जो लेआउट है, एंड दिस इज द R10 सीरीज मशीन टूल की जो RPM है। सो जैसे लेथ मशीन में यदि बात करें तो उसमें जो स्पीड रेंज आपको मिलेगी 1000 rpm की एक स्पीड है, उसके बाद नेक्स्ट स्पीड रेंज आप चेंज करने जाएंगे तो 1250 rpm की मिलेगी, नेक्स्ट स्पीड चेंज करने जाओगे तो 1600 rpm मिलेगा, और नेक्स्ट चेंज करने जाओगे तो 2000 rpm मिलेगा, इस तरह से। R20 और R40 सीरीज ये मशीन टूल फीडिंग के लिए यूज करते हैं। R5 कैपेसिटीज ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स किस किस कैपेसिटी में आते हैं, तो वो R5 सीरीज का पैटर्न फॉलो करता है। ये R5 सीरीज से हाइड्रोलिक सिलेंडर है और उसकी कैपेसिटी कि हम बात करें कि कुछ कैपेसिटी है उसकी, से 100 ton इज द कैपेसिटी, सो नेक्स्ट वाला जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होगा उस 100 के बाद में क्या आएगा, यदि R5 फॉलो कर रहे हैं तो नेक्स्ट विल बी द 1600, 100 के बाद में सॉरी 1600 होगा, देन 2500 rpm, इस तरह से। सो दिस R5 R10, R20, R40, and there is one more series, R80. So these are known as basic series. इनको हम basic series कहते हैं। ये basic series है, R80. और वो और हमें रेंज चाहिए तो हम सीरीज डिराइव कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं डिराइव सीरीज। सो एनी सीरीज दैट इज फॉर्म बेस्ड ऑन दिस 5 बेसिक सीरीज इज कॉल्ड डिराइव सीरीज। Derived series form करने के लिए how we will form the derived series? What we are saying is any series that is formed based on these 5 basic series. The 5 basic series जो है इनके basis पे यदि हम कोई series को बनाते हैं तो that उनको कहते हैं that series are known as the derived series. But what are the methods of forming this derived series? So there are 2 methods of forming derived series, namely reducing the numbers of a particular basic series or increasing the numbers. Basic series के numbers जो हैं उनको increase कर लें, जैसे R5 में 1 है, उसके बाद में 1.6 है, फिर 2 है, तो either we increase the numbers or we decrease the numbers, मतलब increase कर लें, जैसे 1 है तो हम 10 ले लें, 100 ले लें, उसको multiply कर दें 10 से, इसको multiply कर दें 100 से, 1000 से, 10,000 से, तो increasing the numbers या decreasing कर लें numbers का, कि 1/2 कर ले, 1/4 कर ले, 1/6 कर ले, इस तरह से। सो इन द फर्स्ट मेथड अ डिराइव्ड सीरीज इज ऑब्टेंड बाय टेकिंग एवरी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और pth टर्म ऑफ अ गिवन बेसिक सीरीज। सो बेसिक सीरीज जो है, वेदर इट इज R5 सीरीज और R10 सीरीज और R20 सीरीज और R40 और R80, वो सीरीज की सेकेंड टर्म लेके हम स्टार्ट करें नई सीरीज बनाएं, या थर्ड टर्म लेके करें, या फोर्थ टर्म लेके करें, या कोई से भी उस सीरीज में किसी भी टर्म pth टर्म ऑफ बेसिक सीरीज ले लें और उसको हम बोलें कि हमारा स्टार्टिंग सीरीज का नंबर है, देन वी कैन फॉर्म अ सीरीज। तो सच अ डिराइव्ड सीरीज इज डेजिग्नेटेड बाय द सिंबल ऑफ the basic series followed by the number 2, 3, 4 or p and separated by the slash sign. If the series is limited, the designation also includes the limit inside the bracket. Say, jaise humne yahan pe bola, what we are saying
वी कैन स्टार्ट बाय टेकिंग द सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और पीएथ टर्म ऑफ अ गिवन बेसिक सीरीज. सो उस सीरीज का नाम कैसे देंगे? सो दैट नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कि सच अ डिराइव्ड सीरीज इज डेजिग्नेटेड बाय द सिंबल ऑफ द सीरीज बेसिक सीरीज फॉलोड बाय द नंबर. सो कौन सी सीरीज का? से फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग R5 सीरीज. सो दैट इज द ये स्टार्ट हो गया कि सिंबल ऑफ द बेसिक सीरीज. बेसिक सीरीज का सिंबल, ये बेसिक सीरीज का सिंबल क्या हो गया? R5. ठीक है, फॉलोड बाय द नंबर 2, 3, 4 और P एंड सेपरेटेड बाय स्लैश. तो इसके बाद में एक नंबर आएगा से कि वो जो R5 सीरीज है, इस R5 सीरीज का, दिस इज द R5 सीरीज, से R5 सीरीज की दिस टर्म इज द सेकंड टर्म. दिस इज द सेकंड नंबर. द फर्स्ट नंबर इज 1.0, द सेकंड नंबर इज 1.6, द थर्ड नंबर इज 2.5. तो यदि हम सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हैं 1.6 से, कि हम डिराइव कर रहे हैं, हम डिराइव्ड सीरीज, हमारी सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम बेसिक सीरीज यूज कर रहे हैं R5, और R5 में हम उसका जो सेकेंड टर्म है उस नंबर से स्टार्ट करके हम सीरीज बना रहे हैं. सो ये हो जाएगा हमारा नॉमिनक्लेचर का तरीका कि हम सीरीज यूज कर रहे हैं बेसिक R5 और इसमें से कौन सा नंबर ले रहे हो, कौन से. सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड नंबर, उस सीरीज का जो सेकेंड नंबर है उससे यूज कर रहे हैं और उसको हम इस तरह से देंगे कि R5/20. सीरीज हम R5 सीरीज का सेकेंड जो नंबर है उस नंबर को लेके, सेकेंड नंबर था 1.6, यहां से लेके हम सीरीज बना रहे हैं. सो इफ द सीरीज इज लिमिटेड द डेजिग्नेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द लिमिट्स इनसाइड द ब्रैकेट. और ये जो सीरीज बन रही है और हम कह रहे हैं कि ये सीरीज जो है एक लिमिटेड सीरीज है, मतलब लिमिटेड सीरीज का मतलब ये है कि 10 से लेके 100 तक के नंबर्स जनरेट करना, तो ये लिमिटेड सीरीज होगी. ठीक है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग नंबर ये है और एंड नंबर ये है. लेकिन अनलिमिटेड है तो मतलब स्टार्टिंग नंबर से स्टार्ट करना और एंड नहीं मालूम. इफ द सीरीज इज अनलिमिटेड एट लीस्ट वन ऑफ द नंबर्स ऑफ दैट सीरीज इज मेंशन इनसाइड द ब्रैकेट. तो यदि अनलिमिटेड है तो हम यहाँ ब्रैकेट में स्टार्टिंग नंबर जो है वो कहाँ से होगा वो दे देंगे. तो 10 से स्टार्ट हो रही है सीरीज, उसके बाद अगला नंबर 10 × 1.6 16 आएगा, उसके बाद में अगला नंबर 16 × 1.6 इस तरह से आएगा. तो भी हम आगे एग्जांपल और देख लेंगे. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, सीरीज R10/3 ब्रैकेट में 1, देन ये सीरीज कंटिन्यू और लास्ट नंबर जो है सीरीज का 1000. सो दिस इज अ लिमिटेड सीरीज, 1 से लेके 1000 तक में हमें और नंबर्स यहाँ पर जनरेट करने हैं, सीरीज बनानी है. तो उसके लिए बेसिक सीरीज हम यूज कर रहे हैं R10, और R10 में जो थर्ड वाला इसका नंबर है उस फैक्टर को हम ले रहे हैं, थर्ड नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो दिस इंडिकेट्स अ डिराइव्ड सीरीज, सो कंप्राइजिंग ऑफ एवरी थर्ड टर्म ऑफ द R10. R10 सीरीज की थर्ड टर्म हमने ली है इसमें, एंड हैविंग द लोअर लिमिट इसकी 1 है और हायर लिमिट 1000. नेक्स्ट एग्जांपल इज इसका डेजिग्नेशन इस सीरीज का, ये बी डिराइव्ड सीरीज है. सो दिस इज कि द सीरीज दिस इज R20/4 ब्रैकेट डॉट 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 comma 8 dash comma then dot dot. It means this indicates a derived series comprising of every fourth term of the R20 series. R20 series की जो fourth term है उससे हम इसको बना रहे हैं, इस series को. Unlimited in both the sides, मतलब यहाँ पे unlimited starting कहाँ से हो रही है? You can start at any number and we can end at any number. So bracket के हमने अंदर क्या दे दिया कि starting और last नहीं मालूम, but उसमें 8 include होना चाहिए उस सीरीज.
तो सीरीज में एट इंक्लूड होना चाहिए, इस तरह से बनानी चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल सीरीज आर 20/3, सो दिस इज दिस इंडिकेट्स कि डेराइव्ड सीरीज कंप्राइजिंग ऑफ एवरी थर्ड टर्म आर 20 की कौन सी टर्म, या आर 20 किसकी कौन सी टर्म थर्ड टर्म, और हैविंग द लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट मतलब 200 से स्टार्ट होगी, ये पहला नंबर इस सीरीज का 200 होगा, उसके बाद जो सेकंड नंबर आएगा वो होगा आर 20 सीरीज में जो थर्ड नंबर था वो उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा विदाउट एनी हायर लिमिट, और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल सिमिलर आर 20/3 और दिस इज द 200 लास्ट डॉट 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 ब्रैकेट में 200, मतलब ये अपर लिमिट हायर लिमिट थी, यहाँ पे लोअर लिमिट थी, यहाँ से स्टार्ट करना है लेकिन इसमें कि एंड यहाँ पे करना है 200 लास्ट में हो सकता है, उसकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद 1, लोअर लिमिट 1 से हो सकती है, 0.5 हो सकती है या 0.25 भी हो सकती है, ये फर्स्ट मेथड थी, ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड द डिराइव्ड सीरीज इज ऑब्टेंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर बेसिक सीरीज, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ डिराइव्ड सीरीज ऑफ नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 टू 1000 based on the R5 series. So the numbers belonging to the R5 series from 1 to 10 RS 1, 1.6, 2.5, 4, 6.3 or 10. ये R5 basic series के 1 से 10 तक के लिए ये number है. ठीक है? So the next numbers are obtained by multiplying the above numbers by 10. ठीक है? अब जो नेक्स्ट नंबर इस सीरीज में हमने किया कि R5 सीरीज 1 से लेके 1000 तक हमें R5 की सीरीज से डेराइव करके बनाना है इसको, तो 1 से 10 तक हमने R5 देखा कि R5 सीरीज में यदि 1 से 10 तक के लें ये नंबर्स आएंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा तो नेक्स्ट नंबर इस सीरीज में हो जाएगा 16 25 40 63 100, इस तरह से होगा। मतलब इसमें क्या होगा, इस वन में 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इसमें 1.6 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 16, तो इसके बाद में नेक्स्ट नंबर विल बी 16, फिर इस 2.5 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट नंबर इज 25, फिर इस 4 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 40, फिर इस 6.3 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 63, और 10 में मल्टीप्लाई किया 10 का तो 100, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 160, 250, फिर 400, then 630 और 1000, इस तरह से सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो एक एक नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी सीरीज को उसके, तो वो नंबर्स जनरेट हो गए, ये सेकंड मेथड है। सो द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड एंड द नेक्स्ट नंबर्स आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द अबव नंबर्स बाय 10, सो दिस आर द नेक्स्ट नंबर्स। सो देयरफॉर द कंप्लीट डिराइव्ड सीरीज based on the R5 series is as follows. ये complete series होगी 1 से लेके 1000 तक की, ये 1 से लेके 1000 तक। The advantage of derived series is that one can obtain geometric series for any range of numbers. That is why with any value of the first and the last numbers, wide range of series generate की जा सकती है। Derived series का advantage है। Also, one can have any intermediate numbers between these two limits. This is 1 se leke 1000 tak. So one can have these numbers 10 se leke bhi koi use kar sakta hai ki mujhe koi product banana hai. Mujhe product banana hai to uske jo size hai main R5 ki jo derived series hai 10 ka multiply karke usko use kar raha hu to 6 mera yahan se start kar raha hu to mera starting number 16 ka hai. नेक्स्ट 25 का होगा, नेक्स्ट 40 का होगा, नेक्स्ट 63 का होगा और नेक्स्ट 1000 का होगा, इस तरह से। दीज आर द रेफरेंसेस फॉर दिस रेफर्ड नंबर सीरीज डेफिनेशन एंड कंटेंट। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये सीरीज हम कैसे बनाते हैं, मतलब क्या है
सो लेट्स एक दो तीन एग्जांपल हम कर लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल I'm taking the examples. So this material is also uploaded at my site vijaykarma.com, which is public. So let's take an example. Yeah. This is the same lecture I have uploaded at my website, prefer series numbers, and there is an example questions. So let's solve these numbers. Hum isko solve kar lete hain. Okay, find out the numbers of the R5 basic series. So basic series ke numbers jo hai, let's find out ki 1 se leke 25 tak kya kya numbers honge. So that we have to find out. Kaise karenge? So hum kar lete hain. I'm sharing the word file. हमें सॉल्व करना है टू शेयर ट्यूटोरियल स्क्रीन. ये वर्ड फाइल दिख रही है? दिस वर्ड फाइल इज विजिबल? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? यस सर. सो दिस वर्ड फाइल इज विजिबल? यस सर. ओके, सो लेट्स क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? ये रहा क्वेश्चन. So find out the numbers of the R5 basic series from 1 to 25. इसको हम कॉपी कर लेते हैं. तो R5 सीरीज में 1 से लेकर 25 के क्या क्या नंबर्स होंगे? सो द फैक्टर इज हियर. द फैक्टर फॉर R5, the factor for R5 series is 1.58. So in our series, first number is 1, so the limit is 1 to 25. And last number is 25. Okay. So the first number is equal to 1. Then the second number for this series will be, this is equal to 1 into 1.58. So here it is coming out 1.58. now this number is coming in decimal mein aa raha hai, so usko in integer mein convert karenge. So this, the next number will be this 1.6. ye 1.6 number hai. Then the third number will be 1.58 into 1.5. So how much this is coming? So it is 2.4 9 6 2.5. So the next number will be 2.5.
देन फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर विल बी 2.4964. This is 4964. So this to be multiplied by 1.58. Although the factor for this R5 series is 1.5849. So it will be 1.58 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो द नेक्स्ट नंबर विल बी क्या हो जाएगा, 3.9443. सो दिस विल बी 4.0. फिफ्थ नंबर, दिस इज इक्वल टू 3.9443 × 1.58. So this is coming out 6.232. So this rounding kiya usko 6.3. Then next number hame kahan se find karna, 1 to 25 tak. No, aap find karte jao. 6.232 01 into 1.5. So this will be 9.8465. So this rounded to 10. Then next number will be 9.8465 into 1.58. So this is equal to 1.58, 15.557 59. So is rounded to 16. Then eighth अगला नंबर बताओ क्या आएगा, तो 1.6. सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 15.557 59 × 1.58. It will be 24.5810. So this is equal to 25. So these are the numbers from 1 to 25. So the series will be 1.6. 2.5, 4.0, 6.0, 10, 16, 25. So this is the R5 series from 1 to 25. Okay. यदि किसी मैन्युफैक्चरर को से आई एम द मैन्युफैक्चरर और मुझे जो है वो बोल्ट मैन्युफैक्चर करना है, तो मैं किस साइज में मैन्युफैक्चर करूँ, सो आई विल फॉलो दिस. तो ठीक है,
1 mm विल बी या 1 cm विल है या 1 mm जो भी जिस साइज में वो बना रहा, सो दिस विल बी द मिनिमम साइज। उसके बाद में नेक्स्ट साइज ये होगा, नेक्स्ट साइज ये होगा, नेक्स्ट साइज ये होगा। सो जो डिजाइन में हमने जैसे कैलकुलेट किया, डिजाइन में वी हैव फाउंड दैट कि 1.75 सेंटीमीटर इज द साइज ऑफ द बोल्ट वी आर रिकमेंडिंग। सो मैन्युफैक्चरर किस साइज में बना रहा है, 1.75 में तो नहीं मिलेगा क्योंकि अपनी मर्जी से तो नहीं बनाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है बोल्ट की। तो इसे हम सीरीज देखेंगे कि ये सीरीज है, ओके। सो इस सीरीज में से हमें पता लग जाएगा, ये जो सीरीज हम यूज करते हैं कि बोल्ट डायामीटर के लिए सपोजली यूज की, सो नेक्स्ट इससे इससे जो नेक्स्ट हायर है वो 2.5 है। तो हम डिजाइन में स्पेसिफाई करेंगे कि यूज 2.5 सेंटीमीटर साइज ऑफ बोल्ट फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है, सो दिस इज R5 के 1 से 25 के बीच। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ R20/4 एंड 100 to 1000 डिराइव्ड सीरीज। मतलब हमें एक डिराइव्ड सीरीज बनाना है और वो डिराइव्ड सीरीज किस बेसिक सीरीज को यूज करके बनाना है, R20 को। ठीक है, R20 को यूज करके बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, तो बेसिक सीरीज इज R20। ठीक है, और R20 में जो सीरीज है उसमें कौन सा टर्म, कौन सा नंबर हमें यूज करना, कौन सा टर्म है, तो उसमें कि फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज is to be used here, for the formation of derived series. So uski fourth term dekhe hum, R20 series mein fourth term kya hai, hai na? So dekh lete hain, let's see R20 mein fourth term kya hai। So here is R20 series, this is our R20 series. So fourth term is, this is first term, this is second term, this is third term, and this is fourth term. So fourth term is 1.4. So fourth term of series is to be used for the formation of direct series. So the fourth term of R20 series is 1.4। ठीक है, 1.4 टर्म को यूज करके हमें ये सीरीज बनाना है। द सीरीज डिराइव्ड सीरीज ना, द सीरीज शुड स्टार्ट फ्रॉम 100 एंड एंड 1000। सो लेट्स फॉर्म द सीरीज, लेट्स फॉर्म द सीरीज। सो फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज इज 100। ठीक है, then second number of series क्या हो जाएगा, 100
मल्टीप्लाइड बाय 1.6 कितना हो गया 160। सो सेकंड नंबर विल बी 160। देन थर्ड नंबर क्या होगा 160 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा 256। Then the fourth one will be 256 multiplied by 1.6 is coming out 409.6, so 410. The next number will be 25th one. So 409.6 into 1.6. So this is coming out 655.36. So rounding to 655. The next number will be 655.36 multiplied by 1.6. So this is coming out 104.576. So for that, my series. जनरेट करनी थी 100 to 1000। सो हियर वी विल यूज दिस नंबर इज 1000 और सीरीज विल एंड एट दिस नंबर। ठीक है, सो दिस इज द डिराइव्ड सीरीज। द सीरीज इज डिराइव्ड फ्रॉम R20 बेसिक सीरीज विथ फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज एंड बिटवीन 100 to 1000। ठीक है, इज दिस ओके? एनी डाउट? तो डाउट तो नहीं, हम लोग कनेक्टेड हैं कि नहीं? इज देयर एनी कनेक्शन लॉस? नो रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम योर साइड? नो सर। ओके, सो एनीवन इज हैविंग एनी डाउट कि सीरीज फॉर्मेशन? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ प्रैक्टिकल टाइप ऑफ एग्जाम्पल, दिस इज गुड। So this is the example. A manufacturer is interested in starting a business. है ना, उसको business start करना है with 5 different models of tractors. उसके tractor के जो models हैं उसकी range 7.5 kilowatt से 75 kilowatt capacities के रहेंगे। तो starting is okay. 75 kilowatt का तो एक model हो गया और highest model उसका जो है वो 7.5 kilowatt भी हो गया, 75 kilowatt की capacity का हो गया। लेकिन बीच में क्या रखना है, 75 के बाद में अगला वाला मॉडल के लिए कैपेसिटी क्या बनाना है,
उसके बाद में क्या बनाना है, उसके बाद में क्या बनाना है, क्योंकि रेंज 7.5 मिनिमम है उसके पास में मॉडल 7.5 किलोवाट का, और हाईएस्ट मॉडल जो है 75 किलोवाट का उसको मैन्युफैक्चर करना है, तो उसको इन दो मिनिमम और मैक्सिमम साइज के बीच में और भी मॉडल्स उसको प्रोड्यूस करना है। तो बट इस प्रॉब्लम इज कि स्पेसिफाई द पावर कैपेसिटीज ऑफ द मॉडल्स, तो हमें स्पेसिफाई करना है पावर कैपेसिटीज ऑफ दिस मॉडल। सो देयर इज एन एक्सपांशन प्लान टू फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉडल्स फ्रॉम 5 to 9 to fulfill the requirement of farmers. So specify the power capacities of the additional models. तो उसको first जो है initially he has to have 5 models. फाइव मॉडल्स उसको ट्रैक्टर के 5 मॉडल उसको बनाना है, ठीक है, जिनकी कैपेसिटी जो है वो 7.5 किलोवाट से 75 किलोवाट तक हो। इनिशियली उसका प्लान क्या है कि एक तो 7.5 हो गया और हाईएस्ट 75 हो गया, इन बिटवीन दिस है ना, इन बिटवीन दिस उसको 5 मॉडल्स इनिशियली लॉन्च करना है, और फिर उसका फ्यूचर में एक्सपांशन का प्लान भी है कि ये 5 से मैं 9 मॉडल्स कर लूं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर्स की रिक्वायरमेंट है कि उनको इन इन कैपेसिटीज के ट्रैक्टर के मॉडल्स वो यूज करते हैं, तो इनिशियली वो 5 से स्टार्ट कर रहा है और फिर उसको फर्दर इंक्रीज करते जाएगा, उसको 9 कर लेगा या बाद में वो लगा 11 करना है, तो उसको क्या सीरीज में क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसको रेंज क्या होगी उसके लिए मॉडल्स की बनाने को, तो क्या है 7.5 का बोले एक 8 का बना लेता हूँ, एक 8.5 का बना लेता हूँ, फिर 9 का बना लेता हूँ, या फिर बोला कि एक जो है वो 30 किलोवाट का बना लेता हूँ। तो दिस इज अ रेंडमाइज, ये इसको फॉलो पर्टिकुलर सीरीज ना, ताकि वो बाद में उसको यदि एक्सपेंशन का हो तो उसमें एक्सपेंशन करे तब भी उस रेंज में ही वो फिट हो जाए, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी मिनिमम इतने पावर की बनाने की और मैक्सिमम 75 किलोवाट पावर की बनाने की कैपेसिटी है उसके पास। सो लेट्स स्टार्ट, उसको क्या करना है, लेट स्टार्ट सीरीज नंबर, स्टार्ट कैपेसिटी इज 7.5 किलोवाट और मैक्सिमम जो कैपेसिटी है पावर की उसकी दैट इज 75 किलो। नाउ और ही इज स्टार्टिंग विद द 5 मॉडल्स, 5 मॉडल्स से स्टार्ट कर रहा है। सो नंबर ऑफ मॉडल्स फाइव मॉडल, तो पहला मॉडल 7.5 का हो गया और हाईएस्ट मॉडल तो 7.5 किलोवाट का हो गया, तो बाकी और क्या होगा। So first let now what will be the factor, factor क्या होगा उसके लिए, क्योंकि उसकी तो रेंज ये है तो उसको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसी रेंज बनानी पड़ेगी। सो लेट द सीरीज फैक्टर इज से द सीरीज फैक्टर इज से ए, ए इज द सीरीज फैक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर सीरीज का वो है उसका 7.5, सो द नेक्स्ट विल बी सेकेंड नंबर सेकेंड मॉडल दैट विल बी 7.5 इनटू ए टू द पावर 0, ठीक है, सॉरी दिस इज द फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट, सो इट इज ए टू द पावर 0, द सेकेंड विल बी ए टू द पावर 1, एंड द थर्ड नंबर ऑफ मॉडल दैट विल बी 7.5 इनटू दिस फैक्टर टू द पावर
थ्री एंड फोर्थ, तो इट मींस 7.5 × 8 to the power 4, देन फिफ्थ 7.5 × 8 to the power 5, ठीक है, ये ठीक है। सो दिस इज, तो क्या करेगा वो, सो दिस 7.5 × 8 to the power 5, दिस इज इक्वल टू 75। सो फ्रॉम दिस रिलेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, क्या वैल्यू होगी इसकी ए की, सो दैट इज ये ए कितना हो जाएगा इसके लिए, ए टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 7.5 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ए विल बी 10 टू द पावर 1/5, ठीक है, 10 टू द पावर 1/5 या दिस सीरीज, एंड दिस सीरीज इज व्हाट, कोई बता सकता है कौन सी हमारी सीरीज है रेनॉल्ड नंबर में, डिफॉल्ट नंबर की सीरीज बात करें तो, दिस इज नथिंग बट आर, कौन सी सीरीज है, आर 10 है, आर 20 है, आर 25, आर 5 या आर 40, आर 5, यस, सो आर 5, ठीक है, सो फॉर दैट आर 5 सीरीज the factor is 1.5849, 4 digit तक यदि बात करें तो इतना होगा, मतलब उसको R5 की सीरीज में उसके मॉडल्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा उसका फर्स्ट मॉडल जो हो गया उसका ट्रैक्टर का कि 7.5 किलोवाट का आएगा, नेक्स्ट वाला कितने का आएगा निकालो बताओ, 7.5 × 1.5849, सो इट इज कमिंग आउट 7.5 × 1.5849, सो दिस इज कमिंग आउट 11.88675, 11.88675. So the next model will be of 12 kilowatt. The next model 1.5849. So 11.88675 × 1.5849. So this is coming out. कितना आ रहा है? 18.839310. So क्या नंबर आएगा नेक्स्ट सीरीज में? 19. The next will be 18.8939310 × 1.5849. So this is coming out 29.8583. Let's okay. So next, jo hoga. Will be 29.8588 × 1.5849. So this is coming out 47.322613. Okay. So
the next would be 48 or 47.5 48. So 1, 2, 3, 4, or 5. You skip first model. ठीक है, ये पांच मॉडल उसके ट्रैक्टर के जो अवेलेबल है कि 7.5 किलोवाट कैपेसिटी का है, उसके बाद में नेक्स्ट मॉडल 12 किलोवाट का है, फिर नेक्स्ट मॉडल 19 किलोवाट का है, फिर नेक्स्ट मॉडल 30 किलोवाट का है, और उसके बाद में नेक्स्ट मॉडल जो है वो 48 किलोवाट का है। ठीक है, अब उसका क्या कहना क्या है, दिस इज इनिशियली ही हैज स्टार्टेड विद दिस मॉडल्स, और अब बाद में जो है वो जब उसके मॉडल्स सेल्स इंक्रीज हुई सो देयर इज अ फीडबैक कि इसको 5 से 9 रेंज में और मॉडल्स दे दें, सो दैट विल बी आल्सो इंक्रीज इट्स सेल्स, है ना। तो उसने क्या बोला कि मुझे एक्सपांशन करना है, यहां तक मिनिमम कैपेसिटी 7.5 किलोवाट की थी, मैक्सिमम 75 की है, तो अभी वो एक्सपांड कर सकता है इसलिए उसको अब 9 5 to 9 का रिक्वायरमेंट है, है ना, 9 मॉडल्स निकालना है उसको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो मॉडल क्या हो जाएगा, 9 मॉडल्स करना है उसको, तो नेक्स्ट मॉडल क्या होगा 48 किलोवाट के बाद, 7.3226139 × 1.5849 कितना रहेगा, 75 सीरीज को फॉलो करें तो 75 किलोवाट आ जाता है, 75.0016107 आ रहा है, मतलब इसी सीरीज को यदि कंटिन्यू करता है तो उसके बाद में यहाँ पर उसके लिए 75 किलोवाट, तो अभी एक्सपांशन में उसको 9 मॉडल्स ही यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस सीरीज में तो वो एक्सपांड नहीं कर सकता, है ना, तो उसको अब उसके लिए एक्सपेंशन फैक्टर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एक्सपेंशन फैक्टर, बताओ जल्दी सर। सो हियर इज द सॉल्यूशन, here is the solution, yeah? This is the fifth model, here the solution is there. So model is increased from to 9, so the power rating of the 9 models jo hai, that 9 models will be power rating unki kya ho jayegi 7.5 to the power 0 1 2 3 4 5 6 8, ये 9 मॉडल्स हो गए इंक्लूडिंग दिस 0, तो दिस इज इक्वल टू 75 किलोवाट, तो ये उसके लिए नया फैक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1.335 इस तरह से, ये नेक्स्ट ये इसके लिए आ जाएगा, उसको 9 करना है तो अब इस मॉडल्स में उसको देना पड़ेगा। ठीक है, सो कुछ इसमें से जो ऑलरेडी उसके पास में 5 मॉडल है वो उसमें कवर हो जाएंगे, तो एडिशनल जो होंगे उसके लिए ये एडिशनल 10, 18, 32, 46 ये एडिशनल आ जाएंगे उसके पास। ठीक है, देन द लास्ट क्वेश्चन ये, अब ये आप सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा, नंबर बताते जाइए मुझे। आपको स्टैंडर्डाइज्ड करना है शाफ्ट को 100 mm से 1000 mm के डायमीटर से, इसको स्टैंडर्डाइज करना है, एक शाफ्ट 100 की है और
जो एंड मैन्युफैक्चर जो करेगा उसके पास 100 से लेके 100 एमएम से लेके 1000 एमएम तक की शाफ्ट मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है, तो उसको सीरीज बता दो कौन कौन सी सीरीज में वो शाफ्ट प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको 11 शाफ्ट चाहिए, 11 साइज के लिए। मतलब ऐसा नहीं करेगा कि एक 1000 की ले लो, एक 200 की ले लो, मतलब एक 100 की ले लो, एक 200 की ले लो, 300 की ले लो, 400 की ले लो, ऐसा करके 11 नहीं, स्टैंडर्ड। सो 11 शाफ्ट्स देना उसको, ठीक है। सो स्पेसिफाई देयर डायमीटर्स। ठीक है, तो बताओ जरा इसको क्या आएगा। सो दिस इज 1000 डिवाइडेड बाय 100, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ये 11 मॉडल्स हो गए इसके, ये 11 शाफ्ट्स के मॉडल्स हो गए इसके। सो दिस इज द स्टार्टिंग एंड दिस इज द एंड। सो फैक्टर क्या हो जाएगा सीरीज का, ए फाइंड आउट करना है। सो दिस 100 इनटू ए टू द पावर 10 This is equal to 1000. So a to the power 10 is equal to 100 by, sorry, 1000 by 100. So that is equal to 10. So the series will be a jo banega 10, 10th root of 10. Okay. Find out this number, bata de kitna. This is clear? ये सीरीज है उसकी, ये फैक्टर क्या होगा? This last, this is the starting and this is the last. So this last is equal to 1000. Last limit है 1000. So this is 1000. So find out this value. बता दो भैया ये कितना आ रहा है? 1.2589. A is equal to 1.2589. ठीक है, तो चलो निकाल लो सीरीज को, ये सीरीज बन गई आपकी। सो द सीरीज का स्टार्टिंग नंबर इज 100, सेकंड नंबर जो आएगा दैट सेकंड नंबर विल बी, यहां कर लेते हैं साइड में, 100 इनटू 1.2589, सो दिस इज इक्वल टू 125.89, so 125.89, so that is 126 हो गया, है ना? नहीं होगा ना?
यस सर यस 200 125.89 आ रहा था, हमने उसको राउंडिंग किया नेक्स्ट नंबर, सो द नेक्स्ट नंबर इज 126 एमएम। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर सॉरी ये आएगा 125.89 राउंड करने के बाद अब यहां पे लिखेंगे सीरीज में नंबर, सो हियर 125.89 को मल्टीप्लाई करना 1.5589 से, सो दैट इज कमिंग आउट 1.2589 1.58.48298.21 So this will be again 1.589. So it will be 199.5141. So this will be 200. Next series का number हो जाएगा इसका 200. और इसके बाद में next DM करें. So the next will be 199.5141 into 1.2589, ये हो जाएगा 251.168362 राउंडिंग करके हो जाएगा 251, सो नेक्स्ट वीक 251। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आएगा 251.16832, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1.2589, मल्टीप्लाई किया हमने 1.2589 which is coming out 398.058957, so rounding 398, so iske baad mein next number will be 398. Then the next number will be 398.058957 into 1.2589, 1.2589, so it is coming out 501.116422, rounding correct this ka 501, so it will be 501. So the next will be 501.116422 is to be multiplied by 1.2589. The answer is coming out 630.855463. So that is rounding किया हमने तो 631. So it will be 631. Then the next will be 630.855463 into 1.2589. It is coming out 794.18 3943.
So rounding will become 794. So 794. The next will be 794.183943 multiplied by 1.25889. So it is coming out 999.798165. So rounding kare di hum isko. So it is 1000. So the number will be 1000. So the range is 100 to 1000. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11. ये 11 उसके शाफ्ट के मार्क, ठीक है, वो इन साइजेस में प्रोड्यूस करेगा, उसकी कैपेसिटी 100 से लेकर 1000 तक की बनाने की. और ही कैन डू एक्सपेंशन आल्सो, जिसको एक्सपेंशन करना है तो वो उस हिसाब से कर सकता है. अभी 11 ही है तो अकॉर्डिंगली उसकी जो है वो सीरीज वो बन जाएगी. ठीक है, दिस इज क्लियर. तो जो हमें टेबल्स मिलते हैं ना स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ डाइमेंशंस, वो इसी इसी इन ऐसे सीरीज बना बना के मिलते हैं. कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देती है, कौन सा मैन्युफैक्चरर बनाता है इसको, है ना, तो वो स्टैंडर्ड सीरीज ऐसे बन जाती है. फिर डिजाइन इंजीनियर उसको स्पेसिफाई कर देता है कि ये वाला ले लो बिकॉज दैट इज अवेलेबल, वो मार्केट में बन जाएगा. अब एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल इज here is the example. This is tape drill sizes. Tape drill sizes जो available होते हैं, size of the tape ये size. इनमें thread per inch ये रहे, इस tape drill ये रहा, है ना. तो इस series को observe करो, observe this series. The first number is 4, the next number is 5. The next number is 6, then next number is 8, then next number is 10, and then next number is 12. ठीक है? इंटीजर में यहाँ से लेके यहाँ तक वो 4 से 12 के बीच में ये रेंज है. फिर 1/4 से लेके कम साइज में जो टेप ड्रिल का साइज है, टेप का साइज, वो 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16. 5/8, 3/4, 7/8 और 1. The 1/4 inch से लेके 1 inch के बीच में क्या रेंज है टेप ड्रिल की, तो ये देखो. और 4 inch से 12 inch के बीच में क्या रेंज है, तो इसका जो फैक्टर है, वी फाइंड आउट द फैक्टर. तो दैट फैक्टर इज 1.25 आईपी. यस, इट इज 1.25, है ना. 1.25 हुआ ना, क्योंकि ये नंबर्स यदि एरिथमेटिक सीरीज सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो 5/4 इज इक्वल टू 6/5 होगा, दैट इज इक्वल टू 8/6 होगा, दैट इज इक्वल टू 10/8 होगा. तो कर लो, दैट कमिंग आउट 1.25. तो फर्स्ट नंबर जो है वो 4 है, इसमें आप 1.25 का मल्टीप्लाई करो तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा 5. इसके अंदर 1.25 को और मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 6.25. तो राउंडिंग करोगे तो 6. फिर नेक्स्ट नंबर इसमें 1.25 को मल्टीप्लाई, वो नंबर आता है 6 में 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो नंबर आ रहा है 7.8125, जिसकी राउंडिंग करोगे तो 8 हो गया. फिर इसमें आप मल्टीप्लाई करो 1.25, सो दैट नंबर इज 9.7656. तो 9.7656 का जो है इसमें इट में मल्टीप्लाई मतलब ये किया तो 7.9765 आ रहा है, तो दैट इज 10 राउंडिंग. फिर इसमें आप मल्टीप्लाई करो और अगेन 1.25 का, तो ये नेक्स्ट नंबर आएगा 12.20 7031. तो इसकी राउंडिंग जब की तो क्या आया नंबर 12. ठीक है, अब इसको भी चेक कर लो 1/4 और 5/16 को. तो 1/4 जब आप करते हो तो कितना आता है 0.25,
है ना। यहां से कर लेते हैं, इधर गए वर्ड फाइल कहां थी, तो जैसे इसमें वन एक नंबर था फोर है ना, फिर फाइव सिक्स एट टेन और ट्वेल्व, और इसके बाद में था यहाँ पे वन बाय फोर इंच, देन फाइव बाय सिक्सटीन, और उसके बाद में जो है कितना था फाइव बाय सिक्सटीन के बाद में, फाइव बाय सिक्सटीन, थ्री बाय एट और सेवन बाय सिक्सटीन, थ्री बाय एट सेवन बाय सिक्सटीन, वन बाय टू, नेक्स्ट नंबर विल बी, इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो है वन बाय टू, और वन बाय टू के बाद में नाइन बाय सिक्सटीन और फाइव बाय एट, नाइन बाय सिक्सटीन और फाइव बाय एट, थ्री बाय फोर, सेवन बाय एट और वन, थ्री बाय फोर और सेवन बाय एट और वन, ठीक है। तो देख लो इसको, यहां से स्टार्ट है वन बाय फोर, तो वन बाय फोर में आप मल्टीप्लाई करो 1.25 का, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 का, तो आपको 5 बाय 16 मिलेगा। तो चेक दिस, ठीक है, 1 बाय 4 मतलब 0.25 होगा ना, फाइव बाई सिक्सटीन कितना होगा 0.3125। सिमिलरली फाइंड आउट थ्री बाई एट, सो लेट अस कम कम आउट 375, देन सेवन बाई सिक्सटीन यदि आप करोगे, सेवन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन, ये आ जाएगा 0.4375, ये हो जाएगा 0.5, 9 by 16, ये है 5625, 5 by 8, 0.625, 3 by 4, 0.75, और 7 by 8, 7 by 8, so this is 0.875 और 1। नाउ मल्टीप्लाई दिस, 0.25 में मल्टीप्लाई करो कितने का 1.25 को, तो आपका नेक्स्ट नंबर ये आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करो 1.25 का, तो नेक्स्ट नंबर ये आ रहा है, ठीक है, इसे आप करते जाओ इसको। सो दिस इज, ये ड्रिल बिट के जो साइजेस है वो अभी बहुत सारे एग्जांपल हैं, दिस इज अनदर एग्जांपल, ये टेबल्स स्टैंडर्ड्स हैं जो मैन्युफैक्चरर भी देता है, टेपर्ड बिट हार्डवुड के लिए, सॉफ्टवुड के लिए, काउंटर शंक के लिए साइजेस हैं, स्क्रू साइज 2, 3, 4, 5, 6, ये 3 by 32, 7 by 64, 7 by 8, देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। सो दीज आर द प्रीफर्ड सीरीज, प्रीफर्ड सीरीज, और ये इसके चार प्रॉब्लम्स हैं। ऑल दिस मटेरियल इज अवेलेबल एट माय वेबसाइट, यहाँ पर ये पोस्ट है अवेलेबल, सो यू कैन रेफर दिस, बाद में आपको लगता है तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज आवर सॉल्यूशन, सो दिस इज ओके। प्रीफर्ड सीरीज क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ जो है समझ में आया, प्रीफर्ड सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या होती है, क्यों यूज करते हैं हम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं क्या।